नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, मास्टर शेफ इंडिया में सिंधी खाने का जायका लेकर आई होम कुक दीपा चव्हाण इस हफ्ते शो से एलिमिनेट हो गई। दीपा ने अपनी डिशेस और अपने सादगी भरे अंदाज के जरिए देशभर की जनता के दिलों में जगह बनाई। दीपा का शालीन स्वभाव उनकी पहचान बन गया था। इस बार के एलिमिनेशन टेस्ट में दीपा सर्वाइव नहीं कर पाई और बाहर हो गई। शेफ रणवीर, शेफ गरिमा और शेफ विकास खन्ना लगातार मास्टर शेफ इंडिया के होम कुक्स की परीक्षा ले रहे हैं और इस सीजन का मास्टर शेफ तलाश रहे हैं। तीनों जज टेस्ट इनोवेशन और प्रेजेंटेशन की कसौटी पर होम कुक्स के खाने को परख रहे हैं और लगातार उन्हें कुछ सिखाते भी चल रहे हैं। दीपा जजों द्वारा दिए गए फायर टेस्ट में एलिमिनेट हुई और उन्हें घर लौटना पड़ा। उन्होंने अपनी डिश को स्मोक और स्टीम करने के दौरान बड़ी गलती कर दी और जो डिश वह बनाना चाहती थी उसे चूक गई। उन्होंने टॉप 10 में जगह पाकर यह साबित कर दिया कि उनके खाने में वो बातें जो न सिर्फ जजों को बल्कि जनता को भी एक अलग ही दुनिया में भेज सकता है। बता दें कि दीपा चव्हाण एक 51 वर्षीय होम कुक है जो थाई और मिडल ईस्टर्न पेस्ट बेचती है। दीपा शेफ गरिमा को अपनी इंस्पिरेशन और रोल मॉडल मानती है। शो में उनका सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। जिस वक्त बाकी होम कुक हड़बड़ाते और परेशान नज़र आते थे, तब दीपा बहुत ही संतुलित भाव से अपना काम करती दिखाई पड़ती थी। दोस्तों, दीपा के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।